अगर आप भी पैसों को लेकर परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि भारतीय रेलवे आपको हर महीने 80,000 रुपये कमाने का मौका दे रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो 55% रिजर्व टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आपको IRCTC टिकट बुकिंग एजेंट बनने का मौका दे रहा है, जिसके तहत आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा और आपकी कमाई कैसे होगी। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर कर आपके डिक्लेरेशन फॉर्म और अन्य दस्तावेज को स्कैन कर भेजना होगा। दस्तावेजों को वेरीफाई करने के बाद IRCTC की ID जनरेट करने के लिए आपसे 1,180 रुपये जमा करने के लिए कहा जाएगा। OTP और वीडियो वेरिफिकेशन के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार होगा। कोरियर से डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको IRCTC की फ़ीस देनी होगी। इसके बाद आपको IRCTC क्रेडेंशियल्स भेज दी जाएंगी। हर माह अधिकतम 100 टिकट बुक करने पर आपको हर टिकट पर 10 रुपये का बुकिंग चार्ज देना होगा। 101 से 300 टिकट बुक करने पर आपको चार्ज के तौर पर 8 रुपये देने होंगे। 300 से ज़्यादा टिकट बुक करने पर यह चार्ज 5 रुपये हो जाता है। यदि आप स्लीपर और सेकेंड सिटिंग का नॉन AC टिकट बुक करते हैं तो आपको 20 रुपये प्रति PNR और AC की किसी भी क्लास की टिकट पर 40 रुपये प्रति PNR कमीशन मिलता है। यदि इस तरह आप हर महीने 2,000 AC टिकट बुक कराते हैं तो आपको कुल 80,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। IRCTC एजेंट बनने के 2 प्लान होते हैं। एक प्लान के तहत आपको पहले और दूसरे साल 3,999 रुपये यानी कुल 7,998 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क के तौर पर देने होंगे और दूसरे प्लान के तहत आपको पहले साल में 6,999 रुपये देने होंगे। दूसरे साल आप पैसों का भुगतान नहीं करना होगा। IRCTC एजेंट बनने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल ID, फोटो, एड्रेस प्रूफ, रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ, डिक्लेरेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.